हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पार्टनरशिप रिटायरमेंट। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं अपन। इसमें ध्यान से करें, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी हायर है इसमें, इसलिए यस। समीर यास्मीन सलोनी वर द पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है समीर यास्मीन सलोनी 4:3:3। यस। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, कैपिटल कैश, डेटर्स स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग पेटेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर्स 4000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ ₹5000। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20000 विल बी रिकॉर्डेड। पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड 5% डेप्रेशन विल चार्ज ऑन द स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 5,40,000। मशीनरी पास द जनरल एंट्रीज, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड समीर रिटायरमेंट। यस। सबसे पहला काम, अपन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, बैलेंस शीट की कॉपी कर दी और वर्किंग आउट में कैश का बैलेंस लिख दिया और नया और पुराना, ये पुराना रेशियो हो गया आपके पास में ओल्ड, नया रेशियो क्या कह रहा है ये। यास्मीन ने सलोनी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 3:2, ये नया रेशियो हो गया। समीर जा रहा है, इसके मैंने राउंड कर दिया ताकि ध्यान रहे कि ये जा रहा है अपने पास में। यस। सबसे पहला काम होगा आपके पास में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का, बाई जनरल रिजर्व 60,000 है, 60,000 को 4:3:3, 4 × 3 = 10, 24,000, 6 × 3 = 18,000, 18,000 हो गया, ये आपका जनरल लेजर हो गया। इधर डेटर्स मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, डेबिट साइड में 2 P&L 50,000, 50,000 को जाएगा 20,000, 50,000 का ये 5×20 15,000 ये हो गया आपके पास में। अब ये कह रहा है अपने को डेटर्स 4000 विल बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स करने 5000 रुपए के, आपके पास में प्रोविजन है, प्रोविजन कितना बता रहा है अपने को, ये 10,000 रुपए का प्रोविजन है। इसमें से 4000 के बैड डेट्स हो गए तो 4000 लेस कर दिया, प्रोविजन का बैलेंस रहा 6000। अब अपने पास में यहाँ पे डेटर्स कितने के हैं 90,000, इसमें से 4000 लेस कर दिए 86,000। अब क्या कह रहा है अपने को एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउट मेंटेन। प्रोविजन 5% का प्रोविजन मेंटेन करना, इस पर 5% प्रोविजन हो गया 4,300 रुपये। अब ये माइनस प्रोविजन 1700, ये आपके पास में एक्सेस हो गया, एक्सेस प्रोविजन हो गया आपके पास में 1700। तो यहाँ पे आएगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1700 और यहाँ पे हो जाएगा 81,700, 7 × 10 = 4,5,6। यस। तो इस तरह से एक्सेस प्रोविजन जो हुआ वो आपके पास में यहाँ पे रिवेल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया एक्सेस प्रोविजन। प्रोविजन का शॉर्ट फॉर्म होता है तो डेबिट करते हैं अपन। यस। एंड रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स एंड टू क्रेडिटर्स 20,000 और यहाँ पे क्रेडिटर्स अपने कितने कहते पहले 1,10,000, 20,000 हो जाएंगे 1,30,000। फिर कह रहा है पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट कितने के हैं 60,000 रुपए के, लॉस हो गया ये 2 पेटेंट, और यहां से पेटेंट हट जाएंगे आपके पास में, पेटेंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ 60,000 रुपए का लॉस हो गया। एंड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग टू स्टॉक टू मशीन टू बिल्डिंग 5% डेप्रिसिएशन हो गया, 5% का स्टॉक 1,00,000 रुपए का है, 5% 5,000 रुपए, नई बिल हो गई 95,000। मशीन 3,00,000 रुपए की है, 15,000 रुपए होगा डेप्रिसिएशन और ये नई बिल होगी 2,85,000।
मशीनरी होगी बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, नई बिल होगी 1,90,000, ये मशीन की होगी। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। यास्मिन एंड सलोनी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 3:2, गुडविल है 5,40,000, फर्म्स गुडविल 5,40,000, इसमें समीर का शेयर 5,40,000 इंटू 4/10, 1, 2, 3, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 21, 2,16,000 इसका शेयर है। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो में वाई एंड सलोनी। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो क्या आएगा आपका, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं अपन, क्या करते हैं न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। नया रेशियो 3.5 वाई का, 3/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 6 माइनस 3, 3/10। सलोनी का क्या आएगा, नया आएगा 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10 आ गया 4 माइनस 3, 1/10। तो इनका रेशियो हो गया 3:1। अब इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4, 4, 4, 5, 20, 4, 5, 20, 1, 16, 4, 4, 16, 54,000। और इसका आ जाएगा आपके पास में 1, 2, 3, 4, 3, 12, 5, 6, 15, 1, 16, इसका आ गया, एक का है 54,000, एक का 162। गुडविल का आया तो यहाँ समीर को क्रेडिट करेंगे बाई वाई कैपिटल 1,62,000, और यहाँ इसको डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल 1,62,000, और यहाँ पे दूसरा देंगे सलोनी कैपिटल बाई सलोनी कैपिटल 54,000, और यहाँ आ जाएगा सलोनी में 54,000। ये इस तरह से आपके पास में गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। यस, अब अपन रिवल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं। वन लैख 10,000, 1,10,000, 300, 7, 3, 10, 1, 2, 10, 0, 1, 7, 3, 10, 8, 9, 1, 10, यस बाई कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट समीर, यास्मीन एंड सलोनी। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट, 1,08,300, 1,08,300 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 1,08,300 ये आएगा अमाउंट आपके पास में, हटा देंगे 0, 4, 3, 12, 0, 4, 3, 12, 8, 4, 32, 33, 3, 43, 220, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3, 3, 9, 8, 3, 24, 32, 490, 9, 18, 2, 20, 4, 2, 6, 4, 10, 13, 2, 1, 3, 5, 3, 8, यस ये आएगा आपके पास में 43,320, 32,490 and 32,490। ये लॉस हो गया तो इनके डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन 43,320, 32,490 and 32,490। अब अपन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो जाने वाला पार्टनर है उसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं अपन। इसने पेमेंट के लिए कुछ कहा नहीं अपने को, इसलिए उसका जितना भी बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 4, 2, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 4, 3, 9, 5, 14, 3, 1, 4, 1, 5, 5,40,000, 2, 1, 3, 4, 3, 9, 5, 14, 3, 1, 4, 1, 5, 5,40,000। यस यहाँ आएगा 0, 8, 2, 10, 3, 1, 4, 6, 4, 10,
तीन एक चार, छः चार दस, दो एक तीन, चार तीन सात, सात धनी चौदह, 476,680। ये उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा टू एस लोन अकाउंट 476,680। अब इसके बाद में आएगा बैलेंस, इनके दोनों के बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, इनके आएंगे 2,68,000, 2,68,000 और 1,68,000। ये आ गया आपके पास में 58,510 और 66,510, इन बैलेंस को यहाँ पे लिख देंगे 58,510 66,510। यस, आप कैश का बैलेंस कोई चेंज नहीं, कैश का बैलेंस वही आ जाएगा 80,000, कोई भी बैलेंस रहा नहीं है। अब इस बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं, पाँच एक छः पाँच ग्यारह, पाँच एक छः पाँच ग्यारह, एक आठ एक नौ, नौ आठ सत्रह, नौ छब्बीस आठ चौंतीस और नौ तैंतालीस, चार चार एक सात, 731 जीरो, एक एक दो आठ दो दस, पाँच एक छः पाँच ग्यारह और छः सत्रह, आठ एक नौ, नौ छः पंद्रह, पंद्रह और छः इक्कीस, दो तीन दो पाँच, पाँच दस छः सोलह और सात तेईस, दो तीन चार तीन सात। इस तरह से आपका बैलेंस शीट का टोटल मिल गया। अब अपन करते हैं इसमें से बैलेंस 731,700। हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है बैलेंस शीट बनने के पास नेशनल जर्नल एंट्री ऑफ द फर्म समी रिटायरमेंट। यस, अब अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं इसकी, इसकी जो अपने को करनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज करते हैं अपन इसकी। यस, जर्नल एंट्री सबसे पहले अपने डेटर्स अकाउंट की बनानी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले अपने को डेटर्स अकाउंट की बनानी पड़ेगी, जो बैड डेट्स हुए हैं अपन उसके डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं। जो 4,000 रुपये के बैड डेट्स हुए थे, पहली एंट्री करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अपने पास में कितना था प्रोविजन, 10,000 था। 10,000 में से अपने क्या किया था, 4,000 तो बैड डेट्स में चला गया था और बाकी पी एंड एल में 1,700 रुपये पी एंड एल में गया था और बाकी बैलेंस रह गया था। तो बैड डेट्स में से टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट डी आउट डेटर्स, टू डेटर्स एंड टू रिवेल्यूशन। डेटर्स में गए 4,000 रुपये और रिवेल्यूशन में गए 1,700 रुपये। इस तरह से अभी हो गया आपके 5,700 रुपये। ये अपने को डेटर्स की प्रोविजन वाली एंट्री ध्यान से करनी पड़ेगी। इसमें अपने देखा था 4,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए तो अपने डायरेक्टली इसको डेटर्स में कर दिया, नहीं तो पहले एंट्री करते हैं अपन बैड डेट्स अकाउंट डी आर टू डेटर्स और फिर इसको बैड डेट्स को इसमें ट्रांसफर करते हैं, या लिखते हैं टू बैड डेट्स। एक ही बात थी, बैड डेट्स डेबिट होता है या क्रेडिट होता, इसलिए डायरेक्ट एंट्री बना दी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डी आर 5,700, टू डेटर्स 4,000 एंड टू रिवेल्यूशन अकाउंट 1,700। यस, अब जो अपन की सारी की एक एंट्री बना देते हैं अपन, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री बनाएंगे टू क्रेडिटर्स, टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीन, टू बिल्डिंग, अमाउंट आएगा 20,060,000, पाँच हजार, 15,000 और 10,000, 20, 20, 60, 5, 15, 10, टोटल आ गया 1,10,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड से एंट्री बना देंगे अपन। क्रेडिट साइड की एंट्री कुछ भी नहीं, यही होगा आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीधा। रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है इसलिए सभी कैपिटल अकाउंट को डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवेल्यूशन अकाउंट। कितना कितना किया अपन ने, 43,320, 32,490, 32,490,
टोटल हो गया 1,08,300। ये रिवोल्यूशन अकाउंट से जो एंट्री बनानी थी अपने, रिवोल्यूशन अकाउंट से बना दिया अपने एंट्री। हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट के जो डेबिट साइड में लिखे हैं वो जनरल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को डेबिट कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में लिखे हुए जनरल एंट्री में उनको डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। एक सिंपल सा प्रोसेस है जनरल एंट्री बनाने का। जब भी क्वेश्चन जनरल एंट्री के लिए कहे आपको पहले अकाउंट बनाने पड़ेंगे फिर उसके बाद में जनरल एंट्री हो पाएगी। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि बिना अकाउंट बनाए आप जनरल एंट्री कर दें। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनानी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो पेमेंट करना होगा किसी को तो उसका भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। यस, रिवोल्यूशन अकाउंट से एंट्री कर दी। अब अपन कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। इसमें जहाँ कहीं भी रिवोल्यूशन आया होगा उसकी एंट्री अपन नहीं करेंगे, वो हो चुकी होगी। यस, सबसे पहले आएगी पी एंड एल की एंट्री। मैं इसको मिटा देता हूँ। पी एंड एल यहाँ पे भी वो सिस्टम वही रहेगा। यहाँ पे जो डेबिट लिखा है वो क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से आएंगे? एस कैपिटल, वाई कैपिटल और सलोनी कैपिटल, डीआर टू पी एंड एल। 20,000, 15,000, 20,000, 15,000 और 15,000, 15,000, 30,000, 50,000 ये इस पी एंड एल की एंट्री हो गई। एस कैपिटल ये गुडविल की एंट्री है। गुडविल की एंट्री क्या करेंगे? इन दोनों को वाई कैपिटल और सलोनी कैपिटल डेबिट करेंगे। वाई कैपिटल, सलोनी कैपिटल टू समीर कैपिटल, वाई कैपिटल डेबिट 1,62,000। और टोटल हो गया इनका आपके पास में 4,26,16,5,21,216। ये गुडविल की एंट्री हो गई। नेक्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट की अपन एंट्री कर चुके, समीर का लोन अकाउंट। ये समीर के जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं इसकी एंट्री अपन बाद में कर सकते हैं, बीच में एंट्री करना ठीक नहीं होगा। जनरल लेजर की एंट्री कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जो क्रेडिट साइड लिखे हैं वो सब डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल टू वाई कैपिटल टू सलोनी कैपिटल 24,000, 18,000, 18,000। कितना था ये जनरल रिजर्व अपने पास में? 60,000 रुपये। जनरल रिजर्व की 60,000 की एंट्री हो गई। ये दोनों एंट्री कर चुके हैं। अब अपन लोन अकाउंट की एंट्री कर देते हैं इसके बाद में। समीर लोन अकाउंट, तो समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट 4,76,680। ये आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 476,80। इस तरह जिसकी एंट्री को बैलेंस शीट से कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनती है। अकाउंट बनाने के बाद में जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए पहले अकाउंट बनाने बाद में जनरल एंट्री करें, ये ध्यान रखें हमेशा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन हमें समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।